नरेंद्र जी बुढ़ानिया की तो सेटिंग राजेंद्र जी राठौर से भी रहे। केंद्र सरकार काम कर रहे जने तो वोटता जुड़ रहे है। वर्तमान स्थिति में अठे कांटे की टक्कर है। बुढ़ानिया जी के नाम से वोट को मिले, लाइट फ्री कर दिया, वो लास्ट में वो निर्णय जनता भी निकले। मंत्री जी ने वोट देवे के मंत्री जी ने जानकारी क्या वोट मांगा। पूरे राजस्थान में बाको नाम है राजेंद्र सिंह राठौड़ कौन है। राम साहब, मैं हूं अंकित और देख रहे हो देसी खबरों गुरु जलको चुरू। तो आज की स्पेशल कवरेज होना आ रही है चुरू के अंदर हूं, और चुरू कई चीज़ों के लिए फेमस है। सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ने के लिए और सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ने के लिए, आपकी संस्कृति और आओ भगत के लिए कई चीज़ों के लिए चुरू की ख्याति है। बड़ा बड़ा राजनीतिक जगह का धारा नेता है बांग लिए भी बलराम जाखड़ चुनाव लड़िया, राजेंद्र राठौड़ भी एक बड़ो चेहरा मानी जाए, तो जगह बड़ा बड़ा नेता हुए चुरू की धरती हूँ, तो इन लिए भी चुरू जानी जाए। और चुरू के अंदर राजनीतिक माहौल की है बिंगी आज आप अठे के लोगों चर्चा करांगा, तो वीडियो एंड तक देखना है। बढ़िया लगे तो शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। चुरू का राजनीतिक समीकरण है, वोटिंग पैटर्न है, कौन सा मुद्दा पर वोटिंग हुआ और के हिसाब वोटिंग हो रही है? देखो साहब, चुरू के अंदर अब की बार 90% वोट तो माइनॉरिटी का पड़ा है कांग्रेस ने, और अब की बार अशोक जी गहलोत जो काम करवाए है, और क्यों माड़ी जो आ जो पिछड़ा प्रकोष्ठ का आदमी आ, वहाँ में एक नई जागृति आई है, तो वहाँ को रुझान जो है वो कांग्रेस की तरफ हो गया है। और SC और ST को तो हमेशा से ही कांग्रेस को ज़्यादा रहा है। वर्तमान स्थिति में अठे कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है। यहाँ की घटनाक्रम देखने मिलियो, चूरू के अंदर राठौर साहब है विधायक रहे, कई बार रहे, लेकिन अब की बार वहाँ फैसलो करियो, वह तारानगर के अंदर चला गया अठों और लाल सरणजीत, अब का चुनाव प्रत्याशी है BJP का, तो वो उसके समीकरण बनी हुई आपकी। आम जनता में आ चर्चा है कि राजेंद्र जी राठौर और रफीक मंडेलिया एक दूसरे के लिए काम करे हैं, मिली बगैर अब पब्लिकली बात है, और चर्चा तो आ भी है कि पिछले चुनाव में जो वोटिंग हुई रफीक जी, दोबारा रिकाउंटिंग कौन करवाई। अब राठौर साहब चूरू में अगर बहुत अच्छो काम करो तो बाने चूरू छोड़ के भागना कौन पड़ता। तो बुढ़ानिया जी के नाम से वोट कौन मिले, बुढ़ानिया ने वोट जो जनता देवे अशोक गहलोत के कारण देवे, बाकी बुढ़ानिया जी में ईसो कोनी के बस दो आदमी आगा, कोई का व्यक्तिगत कोई का कोई काम कौन करवाया। और तकदीर अच्छी है, हर बार ना को लाग गया, और नरेंद्र जी बुढ़ानिया की तो सेटिंग राजेंद्र जी राठौर से भी रहे। बात है नेता की है कि आपस में एक दूसरे से सांठ गांठ कर और एक दूसरे को काम चलावे। पहली तारानगर जाने पीछे के वजह लाग रही है, तुरंत छोड़ के तारानगर कहाँ गया? वजह अगले समझ अभी क्या गए अठम और बिकी बार में चुनाव लड़ता के मार रहे, तो बढ़िया रहो तो माहौल बांग पक्ष में रहे तो की? हाँ बा आ सीट है लाल जी सारण ने दी है, तो जगह बांग वोट पड़ता जिया भाई जीता जिया लाल सारण भी जीत गए। कांग्रेस का हट जिया पहली रफीक जी मंडेलिया उम्मीदवार, पिछले चुनाव बहुत कम वोट हुआ रहा, अब की बार अगर मान टिकट मिल रहा है तो कांग्रेस ही बढ़िया रहे, टिकट मिल गया। सरकार की योजना है बे किया लागी ताने, देखो लाइट क्यों कह रहे फ्री कर दियो या गेहूं बांट रहे हैं या चिरंजीवी? वाह लाइट फ्री कर दिया, वो लास्ट में वो निर्णय जनता भी निकले। हाँ वह लास्ट में एक महीने फ्री कर दियो, दूसरे महीने 8-9 हज़ार को भी ला गयो। मेरे योजनाओं कोई असर को नहीं होगी, कोई असर को नहीं। चुनाव में वोट के देखे दे, चेहरों देख के दे, आप क्यों कैंडिडेट को या पार्टी देख के? पार्टी देख कर दे सिया, रही बात आ हर चीज कदे में फ्री मिले कोई फ्री को नहीं मिले, जनता आपको ही खा रही है, आपको ही खा रही है। क्या ट्रेन मिल गयो, मसालो मिल गयो, बुखी को कौन मिल गयो, वो जनता को आपको ही खा रही है। एक का 100 को मिले ना, वो 200 लाग रहे बड़े, जनता आज चीज़ समझ चुकी है हम लोग। हाँ मतलब चुनाव के अंदर स्कीमों को कोई फर्क कौन पड़ता? कोई फर्क को नहीं हल्यो। तो अब प्रदेश के अंदर सरकार क्यों लाग रही है अगली? आज सरकार देखो कांग्रेस आवा है, BJP बहुत बाद की बात है, वो तो मिनट एक पड़ी मिनट में किरो पासो पड़ छे। अब चुनाव को के माहौल बन लागो है कुछ? देखो साहब ये है कि चुनाव की डिग्ले रही है कि अब कांग्रेस वाला टिकट घोषित करेगा कि न करेगा भी हिसाब से डिसाइड हो वो। अच्छा। कौन जीत तो कौन आ रहा है, फिलहाल ये है कि बार तो कांग्रेस वाला टिकट घोषित करी को नहीं भी कमें, अब यहाँ हो रही है कि न टिकट घोषित करे वो कैंडिडेट देख के भी हिसाब से भी बाद का मैंने वोटिंग वो सिस्टम पहुंची। अच्छा टिकट क्लियर होना है बाद में पता चला है भी बाद में, तो वो सिस्टम बनाओ ने भी अब जा टिकट घोषित कर दी, रफीक मंडेड़ी है, हरियाणा रियाज है, मुश्ताक जी है, भी हिसाब से वोट हुए।
अगर जे कांग्रेस टिकट रफीक मंडियाली देवे तो टक्कर बराबर की है। अच्छा, बंग अलावा मिले तो? बंग अलावा मिले तो अरलाल जी जीते। अच्छा, ही है टक्कर देश चूरू की जनता देखो ये मंत्री जी सदा सिर गए, बहुत बड़ी बात है, गेड़ी बेरी भी गए, चुनाव जीत कर आया, तारानगर गया जीत कर आया। अब की बार भी है कि जीत कौन सका बैठो या कौन जीत सके, कांग्रेस की सरकार बार फिलहाल केंद्र का मायने कांग्रेस की रही तो बैठा बुढ़ानियों जी तो बढ़िया काम कराए है कि बैठा मंत्री जी को नाको कौन लगे थाने भी यहाँ लग रही होगी बराबर ही टक्कर है बड़े जैसी मंत्री वे पड़ सके जो राशि को है चुनाव लगातार जीत रहे हैं इन पीछे कौन सा फैक्टर है यार भाई साहब हर आदमी की टापर की भी वही चीज की सुनाई करेगा भाई कोई आदमी आए तो बिना कौन कहो भाई तो बड़ो मंत्री है कोई और है बराबर बैठा के इन्हें इस चीज को सहयोग करेगा भाई तेरे के परेशानी है व्यक्तिगत बांगी रीच है बाबा बढ़िया है इंसानियत है मंत्री जी ने वोट है मंत्री जी ने वोट देवा क्या मंत्री जी ने जानकारी क्या वोट है मांगा आते मानना चाहिए पीने तो अंग ना होगा वो मारो दिल है पार्टी का वोट करनी मांगा एक घरेलू जरूरी वोट है कभी भाई साहब आएगा तो मांगो सम्मान करा आदमी बढ़िया बंदो बढ़िया काम को तो नीति तो बढ़िया दिए जाए वोट को ऊपर टापर भी मिल गयो ने तो पे भी ने पूछ के गए भाई तेरे के समस्या है गांव हो या गठे ही हो आप देखो भाई के चीज के नहीं यहां की बांगी की टिकट है बिंग है ऊपर मतलब अब की बार चुनाव लड़ेगा लाल जी सारण भाभी बड़ी जिम्मेदारी का काम है कि जबकि बिया चुनाव जीतता बे लाल जी सारण भी कायम रख देखो नहीं साहब एक मन बाप बाप ही रहोगे बेटो बेटो ही रहोगे लाल सारण जी की आंखों कैसे का भी जीतेगा क्यों कह दे राठौड़ साहब तो आपके भुगत तो धन भरो हर चीज को या को नहीं कह लाल से राठौड़ जी जीतता है लाल सारण भी जीत जाए जी आसान को नहीं जीता बोल रतन सिंह राठौड़ ले भी तो लाल जी ले कौन सके चूरू के अंदर वोटिंग पैटर्न की है मतलब काम के आधार पर वोट पड़े चेहरो देख के पड़े या फिर दूसरों जातीय समीकरण के आधार पर पड़े के लागे था देखो तो देखो आर्मी देख के वोट पड़े हाँ चेहरा चेहरे के हिसाब से वोट पड़े जो बढ़िया काम करो भी नहीं वोट मिलेगा अब आते जो को शहर के लिए चूरू विकास के लिए सोचोगे तहसील के लिए भी नहीं वोट मिलो जो पहले से काम करा रखिए भी नहीं वोट मिलेगा पिछले साल जी राजेंद्र राठौर साहब को दबदबो है कई बार चुनाव जीते हैं तो कार्यकाल में कौन सा बड़ा काम लग रहा है देखो बाकी बड़ा काम करा रहे भी है चूरू कुमार ने चूरू कुमार ने बढ़िया काम कराया नेचर पार्क बनवा दियो और बड़ा काम करवा दिया हॉस्पिटल को भी काम हो रहा है मतलब मेडिकल कॉलेज को भी काम हो रहा है बहुत कुछ काम करवाया है जब इसके लिए ना बस जो काम पब्लिक मतलब पब्लिक को काम करेगा पब्लिक का हितैषी होगा वो चुनाव जीतता वो अब एक बात करें बीजेपी की तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों में एक बार आरोप लग रही है गुटबाजी बहुत ज़्यादा हो रही है बीजेपी में क्या पाँच मतलब पाँच दस मुख्यमंत्री का चेहरा हो रहा है थाने के लाग नहीं नहीं इसी कोई बात को नहीं जो चुनाव मतलब मुख्यमंत्री का चेहरा तो देखो ये है कि कांग्रेस में आओगे तो अशोक गहलोत आओगे और बीजेपी में आओगे तो देखो मोदी डिसाइड करेगा मोदी जी आ बात है बीजेपी की सरकार ने हाईकमान आदेश करेगा वही बनोगे देखो एक अगर चेहरा डिक्लेयर करके लड़ता बीजेपी आ या बिना चेहरा लड़े फायदा है नहीं 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 देखो ये है कि चुनाव डिक्लेयर करके लड़ना भी मैं बोलो फेंक पड़े जिसमें फायदा रहो अब आते अगर चुनाव सामने हुआ है गहलोत है तो गहलोत के नाम से वोट दे पब्लिक का अशोक गहलोत है सीएम की कुर्सी पड़े भी है देखो मुख्यमंत्री को दावेदार हो ना वो बढ़िया रहो है बीच ना बीजेपी फायदा मिलते अब बोल रहे हैं कि माले मोदी के नाम से चेहरा ठीक है मोदी के नाम से वोट तो दे रहे हैं पब्लिक देवे भी है लोग पसंद कर रहे हैं देवे भी अपने बिकली है चेहरा तो एक सामने तो होना चाहिए आप इन वोट दे दें मोदी के नाम पर वोट पड़ा है तो मोदी सरकार की कौन सी बड़ी उपलब्धि लाग रही है जगह जनता भी काम तो मोदी से कराया ही है बारह तो केंद्र से पास हुए अब जो रोड़ा काम हो रहे तो केंद्र से पास हुए तो लोगों ने बेरो थे पारिक तो वही है कि यार केंद्र सरकार काम करवा रही है सही है गलत है केंद्र सरकार काम करे जने तो वोट इतना जुड़ रहे है सिस्टम बन रहे अब बीजेपी किंग चेहरे पर दांव खेलना चाहिए थारे हिसाब में फायदा मिल तो नहीं फायदा देखो जो नेतो देख के बात हो कि एक उम्रदराज आदमी भी होना चाहिए बिना नॉलेज भी होना चाहिए आज मैंने बेरो को लोग मन जाने को मैंने टिकट दे दी तो बघ हार है एक आदमी सर्किल होना चाहिए आदमी को चेहरा मैंने मंत्री जी है अब खड़े जा खड़े कौन है राजेंद्र सिंह राठौड़ यार पूरे राजस्थान में जाना है पूरे राजस्थान में बाको नाम है राजेंद्र सिंह राठौड़ कौन है पूरे सब जाना तो भी के लिए है कह रहे हैं कि टिकट वितरण है अभी सबसे ज्यादा चल रही भी राठौड़ साहब की थाने मिला गए नहीं देखो ये चल रहा है कोई बुरो तो देखो चाहो को भलो ही करे आवाज अच्छा लाल जी दिलवाई है बट से मान ले खुद तारनगर से खड़े हो रहे हैं तो भी कमाई नहीं है कि भाई यहाँ कोने के लिए मन नहीं खुद न चाहिए मैं सबको विकास चाह रहा हूँ मैं ट्राई देना चाह रहा हूँ सदा सदा मैं लड़न ला रही हूँ तो पार्टी ने खुद कहोगे दी यहाँ करोगे थे मैंने तारनगर दे दो लाल जी ने चुनाव लड़ाओ मैं राजी हूँ मेरे कोई दिक्कत को नहीं भाई देखो सदा सदा एक चोरों को नहीं आगे दूसरों चोरों बहनों चाहिए आगे अरे मैंने
टाइम दियो गेडी बरबाने में दियो मौका दियो भाई हरिया कौन जीता अभी बार वो जो ट्राई कर लो। इस बार चुनाव की बात कर ले तो चुनाव में धीरे धीरे टिकटा भी क्लियर हो रही है। अठू और लालजी सर ने टिकट मिली है बीजेपी को, के लागे कितना प्रबल उम्मीदवार है बात हो कांग्रेस की टिकट है पड़ी किताब पर हाँ निर्भर करो। कांग्रेस में बात कर लिया तो जी हाँ कई धड़ा टिकट मांग रहे हैं, रफीक जी मंडेलिया भी मांग रहे हैं, तनवीर खान साहब और भी बहुत सारा है, भी मांग रहे हैं, सब मांग रहे हैं। कौन से उम्मीदवार प्रबल लागे के बिन मिलिया जीत के अगर तीन में अगर प्रबलता देखो तो रफीक मंडेलिया है। रफीक मंडेलिया तो लेकिन लगातार चुनाव आ रहे और न को कोई भी कारण हो सके और न कोई आ बात को नहीं होगा चुनाव को रफीक भाई भी सफल मांगा। पिताजी मकबूल जी मंडेलिया बहुत काम करवाए चूरू में और वे आज भी बिना जीते भी बहुत काम करवा रहे हैं। पिछले चुनाव की बात कर लें बहुत कम मार्जिन उभे आ रहा तो भाई के समीकरण आ चुका है कारण बने मतलब हार को सामने देखना पड़े। समीकरण तो देखो वोटों को काम है कोई किन्नी गिर दे कोई किन्नी गिर दे हार जी तो बहुत बहुत बढ़िया लड़ाई लड़ी हुई 1800 वोट हुए भी कोई ज्यादा वोटों हारे भी को नहीं बहुत बढ़िया लड़ाई लड़ी। अब की बार अगर बान टिकट मिले तो लालजी सारण हुए के माहौल है बढ़िया रहे चुनाव जीते चुनाव जीते। अठू राठौर साहब है वे तारानगर चला गया तो चुरू की जनता के सोचा है बांगे मतलब जाने के बाद में के माहौल है। अब देखो वे तारानगर का उम्मीदवार हो गया और अरे लालजी सारा ने उम्मीदवार तो अगर आज भी बड़ा पद पे जाओगा अगर जीतेगा राजेंद्र सिंह राठौड़ तो भे चुरू को और तारानगर को दोनों भी एकवर्ड इलाका है और दोनों ही नहीं चुरू जिलो भी एकवर्ड है पूरे पूरे ना कोई मतलब रोजगार को कोई काम है न पानी की कोई व्यवस्था है मीठा पानी की कोई व्यवस्था है कुछ भी व्यवस्था को नहीं तो गहलोत साहब काम काज खुश होते हाँ कोई दिक्कत को नहीं बढ़िया बढ़िया। तो अब की बार केला गया आने का चांसेज है या फिर बीजेपी आएगी चांस पूरा इलाका मान तो गहलोत साहब आओगा। कांग्रेस में गुटबाजी बहुत ज्यादा है सचिन पायलट की अशोक गहलोत की थाने कौन सो लाग रहे हो किन मौको मिलना चाहिए अगर सरकार बनाए। देखो आ तो सीधी सी बात है कि कोई भी चीज हो ना वह नौजवान का आत्म हो ना तो प्रभावी ढंग से होगा अनुभव तो सिर्फ आशीर्वाद के तौर पर होगा तो बहुत बढ़िया इस बार सचिन पायलट ने अगर सरकार आवे तो मौको देना चाहिए। तो जी कांग्रेस सर कह रहे हैं मौको के देवे तो पिछले बीजेपी हाथ मिलान लाग रही है आ कौन देखे हाथ मिलाना आ तो कोई भी कह दे कोई क्यों भी कह दे हाथ मिलान लगे भे ज्योतिराज जी सिंधिया जी कांग्रेस छोड़ दी जती यूपी से शर्मा जी छोड़ दी पर आपकी आज भी कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस में ही है सचिन जी पायलट जी हाँ पूरे राजस्थान में बात कर लिया तो बीजेपी कितना चांसेस लगे सरकार में आने का। सरकार में आने का तो देखो राजस्थान की एक रही है स्थिति के एक बार रिवाज रहे एक बार पाँच साल बीजेपी एक बार पाँच साल कांग्रेस तो भी आधार पर माना तो बीजेपी आवेगी पर जिसो काम गलो साहब करे अभी सही लागे चांस है कि यार रुजू रिटर्न हो उसके गलो सरकार कोई बड़ी बात को नहीं। कांग्रेस और बीजेपी में कौन सी को पलटो भारी लाग रही है चुरू प्रॉपर में चुरू जिला में या अलग विधानसभा क्षेत्र में चुरू विधानसभा क्षेत्र में चुरू विधानसभा क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी मजबूत है कांग्रेस पार्टी मजबूत है अब वर्तमान में इनके पीछे कारण कि राजेंद्र राठौड़ को चुरू छोड़ के जाना हो या फिर अब की बार कांग्रेस के पक्ष में शुरू ही माहौल है। गहलोत की जो योजना है ना ये पहले भी सही थी और अब भी सही है जनता ऊब चुकी है बार 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 एक बार जिताने से और जनता की हालत आना एकदम खराब है यहाँ कोई रोजगार का साधन नहीं है औद्योगिक क्षेत्र खराब हो चुका है इसलिए गहलोत की जो योजनाएं हैं ये जो रिपीट कर रही है गहलोत की सरकार वापस गहलोत ही मुख्यमंत्री बनेगा और बेरोजगार है उसको रोजगार मिलेगा। तो बीजेपी यार कह रहे हैं कि देखिए सरकारी स्कीमा चला रखी है अपनी की अंग कोई असर को नहीं है नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ाऊंगा और सरकार बनाऊंगा। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव जो है ना वो एमपी में लड़ा जाएगा विधानसभा में गहलोत के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है विधानसभा में कोई मतलब मोदी के चेहरे कोई इफेक्ट बन रहा है। हाँ मोदी का चेहरा है ना वो एमपी में है और विधानसभा के अंदर है ना ये गहलोत का चेहरा मजबूत है। तो आपने यहाँ स्पेशल कवरेज ही चुरू लगातार देखता रहो जलको चुरू जय जय राजस्थान।